आप जामुन का जिक्र कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं कोविड से, उसमें एक शब्द हम बार बार सुनते हैं और कई शब्द सुन के हम सब लोग थोड़े थोड़े जानकार भी अतिरिक्त हो गए हैं। को मॉर्बिडिटी का बार बार जिक्र आता है और उसमें सबसे ज्यादा डायबिटीज में दिक्कत होती है, और आयुर्वेद ये कहता है कि जामुन बहुत फायदा करता है जिनको डायबिटीज की दिक्कत तो यहाँ जामुन भी है, अर्जुन है। फायदा करता है, अर्जुन भी है, हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए अर्जुन बहुत अच्छा होता है। अलसर भी है, कदम्ब भी है, और आपका पलाश भी है। कदम के नीचे कविता रचते हैं आपकी? नहीं, अभी क्या है कि इन दिनों कविता नहीं लिखी जा रही है, इन दिनों कुछ लिखा पढ़ा नहीं जा रही है, क्योंकि रात को जो आवाजें कान में आती हैं, जो पुकारें आती हैं, वो केवल अनुभूति के स्तर को जघिन कर रही हैं, सघन कर रही हैं। मुझे लगता है कि कभी अभिव्यक्ति बनेंगी। जैसे पिछली बार जब माइग्रेशन हुआ था तो मैंने एक कविता लिखी थी कि कटे हाथों के नींवों पर खड़े हस्तिनापुर, ये एक दिन लौट कर, तो ये लोग एक दिन लौट कर तुमसे जवाब मांगेंगे। तो सरकार बहुत नाराज हो गई थी, नहीं लेकिन मैं नहीं जा ये एक लल्लन टॉप में एक दिक्कत है कि दर्शकों को जब आपने कविता का जिक्र किया तो थोड़ा कम से कम एक पद तो पढ़िए, क्योंकि उनको रहा रिकॉल हो जाए और फिर वो खोज के पढ़ें, फिर वो हूँ आपके YouTube चैनल पे जाके खोज के पूरी कविता सुने। पूरी कविता इस कार्यक्रम में सुना दूंगा। तो अभी क्या हो रहा है कि रात को 12-1 बजे तक कॉन्फ्रेंस कॉल डॉक्टर्स के साथ या अपनी टीम के साथ, कौन से गांव हो गया, कौन से गांव पहुंचना है, कल की किट तैयार हो गई क्या साहब, वो एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही है, अब वो पैरासीटामोल कम पड़ गई है, या वो एवरमाइक्टिन में प्रॉब्लम है, इन सब जी कामों में बीत जाता है। तो अभी सिर्फ अनुभूति के स्तर पर प्रगाढ़ता हो रही है, और मुझे लगता है जैसे वर्ड्सवर्थ कहते थे ना कि जब आप अनुभव करते हैं तब आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उन्होंने डैफोडिल्स अपनी कविता में लिखा था ना, व्हेन आई जी ले वेकेंट ऑन माई कोच, तो वो अपने काउच पे जब लेटते हैं तो फिर याद आता है कि डेफोडिल ऐसे ऐसे नाच रहे थे पानी में। तो मुझे लगता है कि आराम से कभी कविता के रूप में निकलेंगे। अच्छा, आपने कॉल्स का जिक्र किया और उसी वजह से ये पूरी बातचीत उम्मीद की बात के बरगद तले रिकॉर्ड हो रही है। किस तरह की कॉल्स आई शुरुआत में? हम सब देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर किस तरह की आपद आपी, ऑक्सीजन को लेकर, मतलब हमने ऐसी बेबसी के किस्से सुने थे जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इर्द गिर्द का लिटरेचर पढ़ते थे, हमने महामारियों के किस्से सुने थे, लेकिन उस किस्से में किरदार होना, उस पीड़ा से गुजरना, लोगों को गुजरते देखना जिंदगी से, किस तरह के शुरुआती कॉल आए आपके पास? है ना कि दो बातें, तो इस पहले मैं कॉल से पहले बता दूं, एक तो मुझे ये बड़ा भ्रम था कि इस देश के 135 करोड़ लोगों में अगर आपके पास चेहरे का पासपोर्ट है, अगर आपको लोग पहचानते हैं और पूरा परसेप्शन का पासपोर्ट है। मैंने जो राजनीतिक दल बनाया था वो जब एक बार संशय में आ गया और मेरे ही दरवाजे सारे विधायक थे और वो कह रहे थे कि हमारा इस नेता में विश्वास नहीं, इसने पंजाब हरवा दिया, एमसीडी हरवा दी और ये गलत बयान करता है, आप लीड करिए। तो एक बड़े पत्रकार हैं, कभी मिलेंगे अकेले में आप तो मैं आपके कान में धीमे से बता दूंगा, वो मेरे पास एक प्रपोजल लेके आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चाहते क्या हो, दोस्ती भी नहीं बिगाड़ना चाहते, सरकार भी नहीं बनाना चाहते, मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहते, मुक्ति भी नहीं दिलाना चाहते अपने विधायकों को और दिल्ली को, तो फिर चाहते क्या हो। तो मैंने उनसे कहा जी मैं चाहता, एंड ऑफ द डे तुम पर क्या बचेगा, तो मैंने उनसे कहा था एंड ऑफ द डे मुझ पर परसेप्शन बचेगा, मेरे बारे में राय बचेगी कि अच्छा आदमी है, मेरे बारे में दुश्मन भी कहेगा कि यार ठीक है सफल नहीं हो रहा पॉलिटिक्स में, सफल नहीं होता भावुक है, अच्छा आदमी है। तो मुझे ये बड़ा था कि अच्छाई और ये परसेप्शन काम आएगा, लेकिन इतनी ज्यादा बेबसी मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। सार्वजनिक जीवन में मैं 30 साल से अधिक हूं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे फ्यूनरल के लिए फोन कराना पड़े, ये नहीं सोचा था मैंने कि दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पिता का शव मिल गया है, माँ पहले दिवंगत हो गई है, और वो छोटे बच्चे कह रहे हैं कि अंकल अब ये तो करा दीजिए, और मैं SDM को कह रहा हूँ कि बेटा जरा देख ले भाई, बच्चे नहीं कर पाएंगे, तू साथ में लग जा, और अपने लड़के भेजे हैं कुछ कार्यकर्ता। तो बड़ी बेबसी महसूस हुई। शुरुआत सौरभ ऐसे हुई पिछली बार, और इस बार भी मेरा एक्सटेंडेड एक फैमिली है, मेरे परिवार के लोग, कवियों का परिवार, साहित्यकारों का परिवार, साहित्यकारों में भी लोकप्रियता की शक्ति आ गई है थोड़ी सी, और थोड़ी सेंस वैल्यू और थोड़ी न्यूसेंस वैल्यू भी। राजनेता और सरकार इस बात से भी डरते हैं कि कुछ बोल देगा, बक देगा, ट्वीट कर देगा, तो बेमतलब इससे क्यों पंगा लेना, इसको शांत रखो। तो मेरे पास ये कॉल आने लगी कि भाई फला साहित्यकार की तबीयत खराब हो गई, फला कवि को वो चाहिए, फला ये हो गया। तो मैंने शुरू में तो एक पहले दिन तो 15-15, 20-20 केस खुद अकेले हैंडल किए, अपने मैनेजर से कहा इससे बात करो, उससे बात करो, डॉक्टर महेश को फोन मिलाओ, शांति गोपाल को फोन मिलाओ, फला फोन मिलाओ, इनसे बात करो। फिर मुझे लगा कि ये तो मेरे परिचित लोग हैं, अपरिचित लोग भी तो मेरे अपने, जिन प्रशंसकों ने मुझे बनाया है, जिन फैंस ने मुझे सुना है। तो फिर हमने ट्विटर खुला छोड़ दिया, हमने देखा कौन हमें कह रहा है कि कुछ हेल्प हो सकती है क्या, और अपने सारे रिसोर्स, पैसा भी, अपनी लोकप्रियता भी, अपने संबंध भी,
मतलब इस बीच अपमान भी हुए, ऐसे लोग जो एक झलक के लिए तरसते थे, एक ऑटोग्राफ मांगते थे, रिश्तों में कहते थे हमारे परिचित हैं, उनके पास अगर हॉस्पिटल है तो उन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। बहुत सारे लोगों ने बातचीत उतनी अच्छे तरीके से नहीं ली। एक कलेक्टर ने तो यही कह दिया कि क्यों मानूं मैं आपकी बात, कौन है आप, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मेरे सीनियर अफसर हैं, क्यों चढ़े जा रहे हैं मुझ पर, क्यों दिलाऊं मैं हॉस्पिटल, इसे मैं दिला दूंगा जिसको दिलाना होगा। तो ये भी हुआ, लेकिन आपने ट्विटर पे लिखा भी था इसके बारे में। जी सीएम ऑफिस से फोन आया, मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आया कि कौन है हमें बताइए। हम मैंने कहा नहीं, उनका कसूर नहीं है, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अगर वो सबका कर पाते तो मैंने जिस लड़की के लिए उनसे बोला था उसका भी कर देते, मैं तो जानता भी नहीं उस बच्ची को, फिर हो गया इलाज उसका। तो ऐसे करके फिर हमने सोचा अब इसे सिस्टमेटिक ढंग से करो। तो फिर अपने स्टाफ के सारे लोग, अपने परिचित सारे लोग जो हाथ बढ़ाने के लिए आगे आते रहे वो सारे लोग लगाए, 100-150 लोगों का एक टीम बना। फिर डॉक्टर्स आने शुरू हो गए, 200-300 डॉक्टर्स जुड़ गए, फिर और जुड़ते चले गए। आज की डेट में हम लोग मिला के टोटल 400-500 लोग, अच्छा और इनका पूरा सेटअप है, किसी के पास टेली कॉलिंग है, किसी के पास सामान की कॉलिंग है। जैसे आपने कहा कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुमार जी, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, कितने पैसे दूँ? हम कहते भाई पैसे नहीं लेंगे, पैसे हमने ना लिए पहले दिन से ना लेंगे, एक किट इतने रुपए की बन रही है, वहां बनेगी, या तुम्हारे पास कोई हो तो बनवा के मैं भिजवा दो, मैं गाँव में भिजवा दूंगा, तुमको हो तो सौरभ द्विवेदी लिखवा दूंगा, तुमको हो तो लल्लन टॉप लिखवा दूंगा, और तुमको हो तो फ्री दे दूंगा, तुमको हो तो अपना नाम लिखवा दूंगा विश्वास ट्रस्ट का। लोग भेज देते हैं, हम आगे पहुंचा देते हैं, जो चीज कमी होती है हम खुद खरीद लेते हैं, हमको लगता है ये चीज नहीं है, ये खुद खरीद लो, अपना पैसा खर्च करो।